गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ब्लैंक सेल को फिल करने का। तो ब्लैंक सेल फिल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। पहला है कीबोर्ड शॉर्टकट है हमारे पास में F5, जो खुलता है हमारा स्पेशल के लिए, हमें इसमें जाना होता है। दूसरा है कंट्रोल प्लस जी, यहाँ पे भी स्पेशल है, यहाँ से भी हम स्पेशल में जा सकते हैं। और तीसरा हमारा जो है वो है होम बटन पर फाइंड एंड सेलेक्ट में गो टू स्पेशल। तो ये देखते हैं क्या करना है हमें। सबसे पहले जिस भी डाटा में आपको ब्लैंक सेल फिल करने हैं उसको पूरे को आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद गो टू स्पेशल में जाएंगे और यहाँ ब्लैंक्स को आपको यहाँ पे करना है सेलेक्ट। उसके बाद आपको करना है ओके। और जैसे ही मैंने इसको ओके किया है, इसने जितने भी ब्लैंक सेल्स थे उन सबको हाईलाइट कर दिया है। तो अब हम बिना कहीं पे क्लिक किए, कहीं भी माउस को ले जाए बगैर, जो हमारा पहला सेल सेलेक्ट है उसमें हम लिख देते हैं एनी, यानी कि नॉट अवेलेबल। और लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस नहीं करना है, इसमें आपको करना है कंट्रोल प्लस एंटर। तो कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो इसने जितने भी ब्लैंक सेल्स थे ऑटोमेटिकली सब में ही एन ए टाइप कर दिया है। तो यानी कि मुझे हर एक सेल में जाना नहीं पड़ा और एन ए मैनुअली टाइप करना नहीं पड़ा। तो ये था फंक्शन सेल्स को फिल करने के लिए, ब्लैंक सेल्स को फिल करने के लिए। और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए YouTube/learnExcelHindi। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।